हेलो गाइस, आज हम कोइनार का फूल का सब्जी बनाने वाले हैं। इसे सबसे पहले अच्छी तरह से इसका डंठल सबको तोड़ लेते हैं और पानी में धो लेते हैं। चूल्हा में कढ़ाई चढ़ा करके इसमें पानी डाल करके इस फूल को हम भाप लेते हैं। देखिए गाइस, ये फूल अच्छी तरह से भपा गया है, पक गया है। अब इसे मैं कढ़ाई से दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब उसी कढ़ाई में मैं बरबट्टी को मैं भाप लेती हूँ। ठीक है गैस, मैं बरबट्टी को थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे भाप ली थी। ये अब अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं इसमें कोइनार का फूल डाल लेती हूँ और बरबट्टी के साथ अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। इसी टाइम मैं स्वाद अनुसार नमक डाल लेती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मैंने दोनों को कढ़ाई से निकाल करके दूसरे बर्तन में मैं निकाल ली हूँ। छौंक लगाने के लिए मैंने एक प्याज, पांच लहसुन और पांच मिर्च ली हूँ। इन सभी को मैं काट लेती हूँ। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें सरसों तेल डाल दी हूँ और उसे गर्म करती हूँ। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें लहसुन की कलियाँ डाल लेती हूँ। अब मैं इसमें मिर्च डाल लेती हूँ। अब मैं इसमें प्याज डाल लेती हूँ। ठीक है, लहसुन प्याज मिर्च अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें बरबट्टी और फूल को, कोइनार फूल को मैं मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। अच्छी तरह से चला चला करके मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जितना भी थोड़ा बहुत पानी बचा है वो अच्छी तरह से सूख जाए। आपने कभी बरबट्टी और कोइनार फूल का सब्जी इस तरह से बना के खाए होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर नहीं किए हैं तब भी कमेंट कीजिए। ये बिल्कुल देसी स्टाइल से बनाया गया है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।